हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कमाल का प्रोजेक्ट जिसमें मैंने इस बल्ब का कनेक्शन एक स्विच के साथ किया है और जब भी आप इस स्विच को प्रेस करते हो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है मोदी जी, कुछ अलग ट्राई करते हैं। अब इसी बल्ब को मैं टीवी रिमोट से ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा, इसके बाद लोग बोलेंगे मजा आया। तो इसके लिए हम लेंगे एक आर्डिनो, सिग्नल सेंड करेगा ये टीवी का रिमोट जो आयआर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी पुराने टीवी का रिमोट या कोई सेट टॉप बॉक्स का रिमोट आप यूज कर सकते हो। सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम यूज करेंगे आयआर रिसीवर। प्रोजेक्ट का रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे ये एसी बल्ब और इस बल्ब को लगाने के लिए हम यूज करेंगे होल्डर। बल्ब के लिए ऑन ऑफ स्विच का काम करेगा ये 5 वोल्ट का रिले और ये कुछ जम्पर वायर्स है जो कनेक्शन करने में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हो स्काईनेट रोबोटिक्स चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लेंगे एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई प्लाई का भी यूज कर सकते हो और इसके ऊपर लगाते हैं ये बल्ब का होल्डर जिसका कनेक्शन काफी आसान है, आप इजीली इसे कर सकते हो। अब हॉट ग्लू से रिले को इसके ऊपर चिपकाते हैं। अब होल्डर के एक वायर को बीच में से कट करना है और रिले के एनसी एंड कॉम कनेक्टर से इसे जोड़ देना है। तो ये रिले एक ऑटोमेटिक स्विच का काम करेगा जो सिग्नल रिसीव होने पर ऑन एंड ऑफ हो जाएगा। सिग्नल रिसीव करेगा ये आर्डिनो से। अब लगाते हैं आईआर रिसीवर जो टीवी रिमोट से सिग्नल रिसीव करने का काम करेगा। इसका पिन डिस्क्रिप्शन मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसका पिन डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हो। अब लेंगे मेल टू फीमेल जम्पर्स और उसमें आईआर रिसीवर लगा देंगे। अब करते हैं कनेक्शन। अब आईआर रिसीवर का सिग्नल पिन आर्डिनो के ए पिन से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना है। अब पॉजिटिव टर्मिनल को आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब करते हैं रिले का कनेक्शन। अब रिले का ग्राउंड पिन आर्डिनो के ग्राउंड पिन से जोड़ देना है। रिले का इन पिन आर्डिनो के पिन नंबर 8 से कनेक्ट करना है। अब रिले के वीसीसी पिन को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, लेकिन आर्डिनो में 5 वोल्ट का एक ही पिन मिलता है जो हमने आया रिसीवर को दे दिया है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इनपुट रेफरेंस पिन। तो सारे कनेक्शन हो गए है। अब आर्डिनो में कोड अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आर्डिनो में कंप्यूटर से कोड अपलोड करते हैं। अब जो भी टीवी रिमोट या सेट बॉक्स रिमोट आप यूज करना चाहते हो ये आप रिसीवर की तरफ पॉइंट आउट करना है और अब हर एक बटन का हम डिकोडिंग करने वाले हैं क्योंकि हर एक बटन का कोड अलग अलग होता है। तो आपको सीरियल मॉनिटर ओपन करना है और टीवी रिमोट का एक बटन प्रेस करना है जो आप यूज करना चाहते हो। अब स्क्रीन पर आपको कुछ कोड रिफ्लेक्ट हुआ होते हुए दिख जाएगा और वही की को आपको 10-12 बार कंटिन्यूसली प्रेस करना है और जो भी कोड बार बार रिसीव हो रहा है उसी कोड को सिलेक्ट करना है। मेरे केस में ये कोड ज़्यादा बार रिसीव हुआ इसलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे कोडिंग में। कोडिंग में जाके पहले वाला कोड मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह ये नया वाला कॉपी किया हुआ कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हुआ एक बटन के लिए प्रोसेस। अगर आपको दूसरा भी बटन यूज करना है, अगर दो डिवाइस आप यूज कर रहे हो तो आप दूसरा बटन भी यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ और अगेन दूसरा बटन भी मैं प्रेस करता हूँ और उसका भी कोड मुझे रिसीव हो जाएगा और सेम प्रोसेस से मैं बार बार रिसीव होने वाला कोड में कॉपी करके प्रोग्रामिंग में जाके उसे पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक ही डिवाइस का यूज किया है तो मुझे एक ही बटन काफी है। अगर आप दो डिवाइस यूज करना चाहते हो तो आपको दो बटन का डिकोडिंग करना होगा और जितने डिवाइस आप यूज करना चाहते हो उतने बटन का आपको डिकोडिंग करना होगा। तो चलो, जो भी चेंजेस आपने प्रोग्रामिंग में किए हैं इसे फिर से आपको आर्डिनो में अपलोड कर देना है। कोड अपलोड होने के बाद हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अब एसी बल्ब को होल्डर में लगाओ और आर्डिनो को एडाप्टर या बैटरी से पावर सप्लाई दे देना है। अब लास्ट में सावधानी से एसी प्लग को एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देना है। अब आपको बल्ब को टीवी रिमोट से ऑपरेट करने के लिए जो भी की आपने सिलेक्ट किया है उसे प्रेस करना है और आपका प्रोजेक्ट अच्छे से काम करने लगेगा।